1 से 7 जुलाई तक मनाए जा रहे वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा 5 जुलाई को एक ही दिन पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधरोपण किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष गोरखपुर में 36,52,000 वृक्ष लगाए गए, जिसके तहत रविवार को चिड़ियाघर में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ADG दावा शेरपा मंडलुक जैन नालिकर, DIG राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, कोरोना के नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री, मुख्य वन संरक्षक दीपक कुमार, DFO अविनाश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौसदुम सहित अन्य पुलिस और प्रशासन के लोगों ने पौधरोपण करके वृक्षारोपण महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। भविष्य की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे सुलभ रास्ता है वृक्षारोपण ही है। मंडलायुक्त जैन नालिकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हरित एरिया को बढ़ाने के लिए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की परिकल्पना की है कि प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष अवश्य लगाए। मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल का लक्ष्य 1,17,00,000 पौधे लगाने का है, जिसमें कम से कम 2 करोड़ पौधे तैयार किया गया है, जिससे कि लक्ष्य से ज्यादा पौधरोपण हो पाए। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा कि पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाया जा रहा है। गोरखपुर में 37,00,000 वृक्षारोपण किया जा रहा है। वन विभाग के साथ साथ 200 विभाग भी अपने अपने लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण किए हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए DFO अविनाश कुमार, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन तथा मंडलायुक्त जैन नालिकर ने कहा। एक आदमी ले खड़ा रह गया, उधर ही आवा खड़ा ये 75 मीटर का सर्कल एक पैटर्न साहब हमारा जो है 75 मीटर का है। हमने अभी कहा था कि शहर में जो काम DM साहब नहीं चाहेंगे वो नहीं, हम ठीक कह रहे हैं। हाथ लग नहीं रहा है सर, सोशल डिस्टेंसिंग। दो गज का दूरी, आप इतने लंबे आदमी हैं। जल गया, हो गया, ओके। क्योंकि इधर से भी फोटो खींच लिया गया है, अगर इधर की बात करेंगे उधर की भी बात होगी। सोशल डिस्टेंसिंग में ऊपर करना पड़ेगा सर। आप सर देख रहा था साउथ वाले से।
पेड़ बढ़िया है सबको। इनक्लोजर के अंदर है ना देखते रहिए कमिश्नर साहब। सर सर कमिश्नर साहब मछली बढ़ेगा यही सबसे ज्यादा यही बढ़ेगा इसलिए सबसे छोटा वाले लिए मुझे आपकी क्षमता सब जानते हैं बढ़िया हो जल्दी है आराम से चलिए यार एकदम थोड़ा कम हो गया दो है पट्टिका के साथ बाद में हिसाब रखा जाएगा ना किसका ज्यादा बड़ा हुआ बिल्कुल ठीक है भैया आज जो 25 करोड़ वृक्षारोपण महोत्सव पूरे जनपद में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत आज गोरखपुर में शुरू हो गई है। आज 36 लाख पौधे पूरे जनपद में लगाए जाएंगे जिसकी शुरुआत चिड़ियाघर से हुई है जहां पर सारे वरिष्ठ अधिकारीगण एवं माननीय विधायक सदर इनके द्वारा वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। पूरे जनपद में सभी विभागों द्वारा मिलकर के आज 36 लाख पौध लगाया जाएगा और जिसके लिए सभी लोग निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। देखिए बड़ी पुरानी कहावत है एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। अगर भविष्य की रक्षा करनी है तो वर्तमान में ही करनी पड़ेगी और उसका अकेला रास्ता है पर्यावरण संरक्षण और उसका सबसे सुलभ सबसे आसान सबसे सस्ता रास्ता है वृक्षारोपण। 2014 से हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए 2014 के बाद से लेकर के अब तक इन 6 सालों में कुल 13,000 स्क्वायर किलोमीटर देश में वृक्षारोपण फॉरेस्ट कवर जिसको हम कहते हैं उसमें वृद्धि हुई है। लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमने पूरी दुनिया को एक चुनौती दी है 2015 में क्लाइमेट कंट्रोल की मीटिंग में कि हम अपना जो कार्बन सिंक है उसको एक निश्चित सीमा के बाद उसको बढ़ाएंगे ज़रूर और हम उसकी ओर समय से नई कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे फॉरेस्ट आच्छादित क्षेत्र करीब 24% हैं हमें बढ़ा करके 33% ले जाना है और हम इसमें सफलता पाएंगे। गोरखपुर में अभी मैं रिपोर्ट ले रहा था जो दो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं अधिकृत वही मानी जाती हैं 2017 की और 2019 2 दिसंबर में जारी हुआ है। कुल 1.5 स्क्वायर किलोमीटर केंद्रीय सरकार ने माना है कि यहाँ वृक्षारोपण की वृद्धि फॉरेस्ट की वृद्धि हुई है लेकिन अगर पूरे देश के आंकड़े को देखा जाएगा तो तकरीबन
5100 स्क्वायर किलोमीटर है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 5 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि गोरखपुर मंडल में होनी चाहिए थी, जो कि 1.5 है। मैं गोरखपुर मंडल की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी चीफ कंजर्वेटर को ये टारगेट दिया है कि आप अपने सारे DFOs की मीटिंग बुलाइए, हम लोग बैठेंगे और किस तरह से हम कम से कम 5 स्क्वायर किलोमीटर का वृक्षारोपण आने वाले समय में अगली रिपोर्ट के पहले कर लें, मैं स्वयं बैठ करके योजना बनवाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, शहर में ऐसी ढेर सी कॉलोनियाँ हैं अभी जहाँ सड़कों के और मकानों के बीच में जगह है और जिसे हम सौंदर्य कहते हैं, भौतिक सौंदर्य, अस्थाई सौंदर्य, अस्थाई विकास, उसमें उन कॉलोनियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए था, लेकिन सुनियोजित योजना नहीं बनी है। पेड़ दे दिए जाते हैं नगर निगम को, नगर निगम दे देते हैं नीचे के लोगों को, नीचे के लोगों से लग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैंने DFO साहब से कहा है, परसों हम लोग बैठेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा भी, और हम लोग पूरे शहर की जितनी कॉलोनियाँ हैं उनमें वृक्षारोपण करने की योजना लेकर चलेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं तो पूरा प्रदेश में हम लोग का तो 2500 करोड़ वृक्ष लगा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में सबसे बड़ा अभियान अभी के लिए यही है, जो रिकॉर्ड जो भी पहले हुआ है, पिछले साल 5 करोड़ लगाया, अब उसी दिशा पे हम लोग गोरखपुर में 37 लाख वृक्ष लगा रहे हैं और इस पे तो करीब तो 18,000 जगह हमारा प्लांटेशन होगी। उसके वन विभाग के अलावा करीब तो 200 विभाग अपने अपने टारगेट के हिसाब से काम कर रही है। उसके अलावा इंडिविजुअल फार्मर से, इंडिविजुअल लाभार्थी है, वो सभी व्यक्ति के हिसाब से, ताकि ये योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाया, ऐसे बनाया ताकि 24 करोड़ हमारा जो जनसंख्या है, कम से कम एक एक आदमी के एक वृक्ष के हिसाब से लगाया है। और हम लोग का इम्पॉर्टेंट मकसद होता है तो उसको बचाना, ताकि तो लगाना बड़ी बात नहीं है, बचाना है हमारा चुनौती है। खासतौर पे इस मौसम में जो भी वृक्ष लगता है तो बच जाता है, 80% वो नेचर ही बच जाता है और बाकी भी हम लोग जियो टैगिंग करा करके पूरे एक साल मॉनिटर करते हैं, उसी से पिछले साल कितने वृक्ष लगाए, 80% बच गया है। इस बार उम्मीद करते हैं ये सारे वृक्ष बच जाएँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ, आप लोग भी योगदान दीजिए, ये पर्यावरण के लिए, भविष्य के लिए, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए हम जो आज बीज डाल रहे हैं यही तो बड़ा वृक्ष के रूप से उन लोग के सामने उभर के आएगा। देखिए, ये जो वृहद वृक्षारोपण प्रोग्राम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न था कि इस पूरे प्रदेश में जो हरित एरिया है, जिसे ग्रीन एरिया बोलते हैं, उसका कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए विगत कई वर्षों से, जैसा आपने देखा कि ये एक वृहद वृक्षारोपण प्रोग्राम हो रहा है, परिकल्पना ये थी कि हर प्रत्येक व्यक्ति एक प्लांट लगाए। आज यूपी की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन करीब 23 करोड़ है और इसलिए इस वर्ष जो प्रदेश का लक्ष्य है 25 करोड़ है, मंडल का लक्ष्य हमारा जो है 1,17,00,000 है और 1,17,00,000 के क्रम में चारों जनपदों को लक्ष्य दिया गया था। इस बार हमारी तैयारी काफ़ी ठीक रही है मुझे लगता है और इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका ये कॉन्सेप्ट है। वन विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1,17,00,000 के लक्ष्य के सापेक्ष उन्होंने 2 करोड़ लगभग प्लांट यहाँ पर पौध तैयार की हुई है और मुझे लगता है कि हम लक्ष्य के ऊपर जाके प्लांटेशन कर पाएंगे आज एक दिन में। इसके साथ साथ एक बिंदु बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वृक्षारोपण जो प्रोग्राम है इसके माध्यम से हमें जो एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस है, पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है उसको लाना है, इसे एक बृहद जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की गई है और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो कृषक सम्मान निधि के बेनिफिशियरी हैं, बहुत योजनाओं के बेनिफिशियरी हैं, एक बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा है और इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता ये है कि ये एक सिर्फ सरकारी या विभागीय प्रोग्राम नहीं है, इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की गई है। दूसरा, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने 25 करोड़ पेड़ लगाए, हमने मंडल में 1,17,00,000 लगाए हैं। आवश्यक ये है कि एक एक प्लांट, एक एक पौध जो लगाया गया है उसको जीवित रखा जाए और वो तभी होगा जब हम इसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए अपने ऊपर दायित्व लेंगे। और आपके माध्यम से मैं मंडल की जनमानस को ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी प्लांट्स लगे हैं ये आपके प्लांट हैं, जैसे आपके परिवार के लोग हैं वैसे ही ये प्लांट भी आपके परिवार का एक अंग है और उसी प्रकार इसको सुरक्षा एवं संरक्षण देने की आवश्यकता। धन्यवाद।